नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज नशा, मैं हूं भाई शिवम। अखिलेश यादव की आज हम बात करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव एक ऐसे राज्य में मुख्य विपक्षी नेता हैं जिस राज्य से 80 लोकसभा सीटें आती हैं। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का सफाया 2024 के चुनाव में होने वाला है। अब इस दावे के पीछे आधार क्या है, वो कैसे हराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना को, अमित शाह की रणनीति को, वो कैसे योगी आदित्यनाथ ने जो एक माहौल बनाया है उसको शिकस्त देंगे, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। क्योंकि एनडीए को हराने का पीडीए फॉर्मूला दिया है अखिलेश यादव ने। ये फॉर्मूला बड़ा दिलचस्प है, हालांकि इस फॉर्मूले की बात पहले भी होती रही, लेकिन इस बार जो विस्तार दिया है अखिलेश यादव ने उसको, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ये भी खबरें आई कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच अनबन है, फिर ये भी हुआ कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच अंदर कुछ बातचीत चल रही है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने लखनऊ में आके अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम जो थिंक टैंक के लोग हैं उनसे बातचीत भी की। कुछ लोग अखिलेश यादव की आलोचना भी कर रहे थे, लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों के बीच जो ये पीडीएफ फॉर्मूला है, क्या वो एनडीए को हरा पाएगा और क्या विपक्ष ये दावा कर सकता है कि 80 की 80 सीटों पर सफाया किया जा सकता है एनडीए का, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी जुड़ रहे हैं। ये है कि ये अखिलेश यादव का फॉर्मूला, जिसमें ये कह रहे हैं कि पिछले दलित और अल्पसंख्यकों को हम जोड़ के एनडीए का सफाया करें, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए शिवम, एक बात हमको समझनी होगी कि ये सब पूरी राजनीति पूरे देश में पीढ़ी तो है ही है, दलित और पिछड़ा। इधर जब से 2014 में नरेंद्र मोदी आए हैं तो पिछड़े और दलित को उन्होंने टारगेट किया, और उसी में से यादवों में से नान यादव निकाले, दलितों को पूरा जोड़ा और उनके पास अगड़े थे, यहाँ अल्पसंख्यक सिर्फ अंतरिक्त आ गया। बट दोनों पीडीए पर ही हैं, एक बात आप ये समझिए, तो उसको हम ये ना समझे कि कोई बड़ी बारी खोज हो गई। दूसरा देखिए क्या कि बगैर उत्तर प्रदेश का मुख्य संदर्भ बनाए आज चुनाव जीत या हार नहीं सकते, 80 सीटें बहुत होती। और मैं इस पूरे घटना का कोई दूसरा ढंग से देखता हूँ। लोग कहते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी को हराएगा विपक्ष मिलकर, मैं कहता हूं कि मान लीजिए कांग्रेस 50 के बजाय 125 सीटें जीतने का टारगेट बना ले और 125 सीटें जीत जाए तो बीजेपी तो गवर्नमेंट फॉर्मिंग से हट जाएगी, और अगर गवर्नमेंट फॉर्मिंग उससे हट जाएगी तो अन्य किसी नेता पर सहमत बनाना इतना आसान नहीं होगा, और मोदी पर सहमत बनेगी। क्योंकि जो एक बात देखिए, कभी कभी बात से आदमी जोश में कह जाता है लेकिन वो भूल जाता है इसका असर क्या होगा। आपको याद होगा जब ये राहुल गांधी और प्रकरण 70 में हुआ, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में कहा कि मैं ही हूं, और ये देखिए सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स के डर से सारा विपक्ष एक हो गया, उसी दिन लोगों के जो है कान में कीड़ा रेंग गया कि गुरु ये हम सबको फंसा देगा। तो हम लोग बात बहुत कर रहे हैं कि राहुल से पटेगी कि नहीं पटेगी, अखिलेश से पटेगी कि नहीं पटेगी, लेकिन जब एक आदमी लाठी ले चौराहे पर खड़ा है तो 10 जो स्ट्रेंजर भी जा रहे हैं उनके लिए सबसे पहली समस्या कि अपने को बचाए कैसे, बाद में वापस से निपट लेंगे। एक इसलिए मैं मानता हूं कि ये विपक्षी एकता बनने के काफी आसार। अब लेटेस्ट एक और डेवलपमेंट हो गया है, वो हो गया मायावती का जो एक एक्सपोजर हुआ नोएडा घोटाले में, प्लाट में, और हम सब जान के, आप भी जान के आश्चर्यचकित हो गए। मैंने इस देश को कभी नहीं देखा, 261 फ्लैट मायावती के भाई भाभी के नाम 46% डिस्काउंट पर अलॉट किए गए। तो पूरा फ्रॉड 2007 में हुआ और वो फ्रॉड ये लोग दबाए रखे। इस फ्रॉड की जानकारी बीजेपी को होगी, क्योंकि 20 के बाद जब उसकी जांच आ चुकी तब तक सामने निकल गए। तो
अब ये समझ में आ रहा कि ये जो मायावती सिंह बुढ़िया बनी बैठी है 22 विधानसभा में भी जिस समय वो नॉन एग्जिस्टेंट या नॉन एंटिटी की तरह चुनाव लड़ती रही, तो हम लोग सोच रहे थे मायावती ऐसी महिला छोटी मोटी बात पर दबने वाली नहीं। बिल्कुल, अब नोएडा घोटाला सामने आ गया है तो अब मायावती तो आप मान लीजिए किसी पुलिस, अब उनकी हिम्मत नहीं है तो बीजेपी से भिड़ पाए, और पैसा मायावती के शुरू से कमजोरी रही है, और ये जो खबर छपी इसका कोई खंडन भी नहीं कर पाया कि नहीं नहीं हमारे घर में कोई ऐसा कुछ नहीं किया, वरना आदमी खंडन करेगा भाई ये गलत खबर छाप दी, इसका मतलब खबर सही है। अब शिवम आप इससे बढ़िया विपक्षी एकता में अंतर क्या पड़ जाए कि अब अखिलेश यादव की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई, अब आप कहां जाएंगे, मायावती से मिलकर के आप कोई मोर्चा नहीं बना सकते, क्योंकि अगर वो आपके साथ हो भी तो मोर्चा होगा कि मोर्चा होगा पता नहीं, तो वो तो किसी समय शाम को किसी एक ईडी का आदमी आया मोटरसाइकिल पर चुपके से और ने बहन जी से कहा कि भाई हम लोग तो सुबह आने वाले हैं, तो बहन जी तो हाथ जोड़ लेगी, ये करप्शन का वो होता है। और कहते हैं कि मायावती का जो दो महल है, एक जो पार्टी आपकी तो भी महल, लेकिन एक चीज मैं जानना चाह रहा था सर कि ये ठीक है कि वो दलित का जिक्र कर रहे हैं पीडीए में, वो पिछड़ों का जिक्र करते हैं, समाजवादी पार्टी को पिछड़े तो वोट करते रहे, अभी हाल के दिनों में जो अति पिछड़े थे वो समाजवादी पार्टी से हटके भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो अखिलेश के सामने चुनौती है कि अति पिछड़ों को कैसे कैसे लाए। आपने जो मायावती का जिक्र किया, दलितों पर दांव कांग्रेस भी लगाने की तैयारी कर रही है और उसके लिए उसने पूरी रूपरेखा तैयार कर दी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और अल्पसंख्यक वोट, अल्पसंख्यक वोटों पर भी कांग्रेस अपने निगाह गड़ाए हुए है और वो उसके पास जा सकते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो पीडीए फॉर्मूला है, क्या इसको बगैर कांग्रेस बनाया जा सकता है एनडीए को हराने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से अभी मुलाकात की अखिलेश यादव ने और उसके बाद एक नए तरह का समीकरण, खासकर 80 सीटों पर कि 80 हराओ बीजेपी हटाओ, कि नए तरह का समीकरण, चूंकि आप लखनऊ में है तो आप बेहतर बता सकते हैं, नए तरह का समीकरण क्या कांग्रेस के बगैर बन सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, कांग्रेस तो चाहिए, अब अच्छा। मुस्लिम वोट पर जद्दोजहद होगी, लेकिन कांग्रेस की दिक्कत क्या कि उसका उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइजेशनल वर्क इतना कमजोर है, उनके चाहने वाले हैं, इस प्रदेश में अगर तलाशने निकले तो लाखों लोग ये कहते हैं कि हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, किसको दें? तो मुझे कहावत आती याद आती है कि कापर करो श्रृंगार पिया मुरादर, सब किसके भरोसे श्रृंगार कर ले मतदाता है सोचता, और ये आप देख रहे हैं पिछले चुनाव में 22 जैसे जो प्रियंका गांधी ने जो मीटिंग्स की रैलीज की बहुत इंप्रेसिव थी, जनता जुड़ती है उनको देखने जाती और आज भी प्रियंका गांधी बड़ी भारी फोर्स है, राहुल गांधी भी अब एक बहुत बड़ी फोर्स के रूप में उभरे, आप अब जो आएंगे उत्तर प्रदेश से बहुत भीड़ उभरे, लेकिन जो वोट लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसका अभाव, उसमें समाजवादी पार्टी है मायावती को अलग कर दी, बाकी छोटे मोटे दलों से कोई लेना देना नहीं, और आप अभी इतनी पावरफुल उत्तर प्रदेश तो नहीं हुई है कि आपके भरोसे कोई एकता बनाएगा, तो देखिए यहाँ तो सपा और कांग्रेस को मिलाकर ही दोनों को न चाहते हुए भी स्टेन बेड फेलोज कहते हैं ना, या दो तलाक शुदा लोग मिलकर के शादी करना चाहते तो च्वाइस नहीं है, इसको हमारे यहाँ कहते हैं न उनका और न हमका ठो, तो समाजवादी पार्टी के पास कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा कोई नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर ये पीडीए फॉर्मूले की जो आपने बात की है, बिना कांग्रेस के नहीं बन सकता जो आप कह रहे हैं, और ये बड़ी चुनौती है पीडीए दोनों तरफ, इधर ए माने अल्पसंख्यक, वहां ए माने अगड़े,
लेकिन जो पिछड़े और दलित उन पर दोनों की निगाह है, बीजेपी की भी निगाह है और अखिलेश या जो भी गठबंधन यहाँ बनेगा, तो देखते हैं। अब लड़ाई पीडीए वर्सेस पीडीए है, एनडीए एनडीए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये निश्चित तौर पर ही दोनों तरफ है, दोनों लोगों की जोर आजमाइश है। अब देखना होगा कि किस तरह से ये जाता है पूरा मामला। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि 2024 के चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी भूमिकाओं को लेकर बहुत बहुत अलग तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि अखिलेश यादव के संदर्भ में अगर आप देखें, लखनऊ 80 सीटों को मैनेज करता है, 80 लोकसभा सीट, और निश्चित तौर पर यहां पर यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा पिछले दो चुनावों से भारी रहा है। 2014 के बाद से किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपोजिशन में लड़ने वाली किसी भी पार्टी को बहुत बढ़त नहीं लेने दी। लेकिन जो एक नया दावा अखिलेश यादव ने ठोका है, उसका असर क्या होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प है देखना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो समाजवादी पार्टी का अपना वोट था, वो किस तरह से वो दोबारा से उनके साथ जुड़ता है। हालांकि अब उन्होंने अपने चाचा का मसला भी सुलझा लिया है, बाकी मसलों पर भी वो निगाह बनाए हुआ है। लेकिन अब ये चुनावी राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे 24 का चुनाव आएगा, उसमें उनकी जो चालें होंगी ये महत्वपूर्ण होंगी कि एनडीए को पीडीए अगर हराता है या पीडीए बनता है तो उसका क्या स्वरूप होगा। आप सभी का भी बहुत शुक्रिया ये कार्यक्रम देखने के लिए। देखते रहिए न्यूज नेशन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।